से महामिलन समारोह का आयोजन किया गया था। भानु प्रताप जी और रूपा जी जो जिला परिषद के सदस्य हैं उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से जिस तरह से धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी बढ़ चढ़ के काम कर रही है और लगातार लोगों के बीच में रह रही है और जिस तरह से 4081 किलोमीटर की यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की और जो उन्होंने कहा कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, उस बात से प्रभावित होकर के लगातार पूरे देश में, सिर्फ धनबाद में ही नहीं, पूरे देश में लोग कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है। जैसा कि आपने देखा, भानु प्रताप जी ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने ही देश दिया है और देश बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है, इसलिए हम लोग सब लोग साथ मिल करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठाकुर जी, आप ये बताइए, कांग्रेस संगठन और आपका नेता कौन होगा, इंडिया का नेता कौन होगा, नियंत्रण है, कितना नियंत्रण है, जहां आप खड़े हैं वहां एक सिंगल विधायक कांग्रेस की है, हमको जहां तक याद है, हमको जहां तक याद है जो जिला कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें आप शामिल थे, उस दिन भी आपको सिंगल विधायक नहीं थे, आज भी जब इतना आप महामिलन करा रहे हैं, नहीं नहीं मेरी बात कि आपके हेल्थ मिनिस्टर और यहाँ के जो प्रभारी मंत्री है उस 27 मिनट में जन सुनवाई का कोरम पूरा करके चलते। इस बात को पहले ही मैंने मंच से कह दिया है कि जन सुनवाई जो हुई है वो और अच्छे से होनी चाहिए, अगली बार से इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और जहाँ तक विधायक और अन्य नेताओं की बात होगी तो निश्चित रूप से सभी लोगों का अपना अपना एंगेजमेंट होता है। जब मैं स्वयं आया हूँ, समझिए पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी आई है, सारे विधायक आए हैं, मंत्री आए हैं और हमारे पूर्व मंत्री जो यहाँ के धनबाद के अभिभावक हैं मन्नान मलिक साहब, वो लगातार रहे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र बाबू हैं और हम समझते हैं सभी लोगों का सभी कार्यक्रम में आना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत उसको, ये आज बहुत बड़ा दिन है, नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसका बढ़िया से लिखिए और ये लोगों को बताइए कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। बताइए दूसरा सवाल, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार क्या छोटा भाई हो रही है क्या? देखिए, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाती है उसका शिकार आप लोगों को नहीं होना है। अरे बड़ा कौन छोटा कौन, जब भाई हो गया भाई तो सब भाई है। आपका नेता कौन होगा? देखिए, कांग्रेस जो सीट पर लड़ेगी वो सीट की चर्चा मीडिया में नहीं होगी, सड़कों पर नहीं होगी, जो भी फीडबैक देना था हम लोगों ने अपने आलाकमान को दे दिया है और जब इंडिया की बैठक आने वाले दिनों में होगी, संभावित है सभी दलों के जो शीर्ष नेतृत्व बने हैं वो सब लोग मिल बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हमने कहा है कि संगठन मजबूत होगा तो गठबंधन मजबूत होगा और संगठन को मजबूत करने में हम लगे हुए हैं, ताकि गठबंधन में भी किसी साथी का कोई उम्मीदवार होगा तो उसको पूरी मजबूती के साथ मदद कर सकते। इंडिया का नेता कौन कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस बार, उससे कम पे लड़िएगा कि ज्यादा पे लड़िएगा? ये अगर प्रधानमंत्री के लिए पहले नरेंद्र मोदी जी जब बने थे तो वो बता करके बने थे, उनकी घोषणा तो पहले ही हो गई थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी घोषणा पहले ही, नहीं नहीं नहीं, आप भी उसे कोई घोषणा नहीं होती, जनता को तय करने दीजिए, जनता को तय करने दीजिए, जनता सब कुछ समझ रही है और लगातार जो जनता का प्यार उमर करके आदरणीय राहुल गांधी जी को मिल रहा है वो आने वाले समय में आप सभी को पता चल जाएगा। भारत और इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारत और इंडिया एक है, कुछ लोगों को भ्रम हो गया, भारत जोड़ो यात्रा पे जब आदरणीय राहुल गांधी जी निकले और भारत भारत हुआ तो प्रधानमंत्री जी के मन मस्तिष्क पे भारत भारत छा गया, वो भूल गए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उस संविधान का मखौल उड़ाने का वो प्रयास कर रहे हैं। भारत और इंडिया एक ही बात है, माँ को मम्मा कहिए, अम्मा कहिए, माई कहिए, मम्मी कहिए, अम्मी कहिए, बात बराबर है, उसी तरह भारत और इंडिया की बात बराबर। इंडिया बनने के बाद ही ये सब कुछ शुरू हुआ? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, घबराहट और बेचैनी तो ऐसी है कि पूछने की बात नहीं है। अब कहाँ कहाँ बदलेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है कि 100 और 500 के नोट भी खत्म हो जाएंगे, 10 रुपये का नोट भी नहीं रहेगा, लोगों में डर पैदा करके कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे देश के
जो बड़े बड़े संस्थान है, सब लोग चिंतित हैं कि हो क्या रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में इतना ही कहूंगा कि जो सदस्य हैं वो वन लाइफ और थ्री वाइफ वाले लोग हैं, तो अब वो लोग को निर्णय लेने दीजिए। हरीश सालवे जी हैं, ये सब तो देखिए अडानी जी ने क्या गड़बड़ी की है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। किस तरह से गड़बड़ पूरे देश में हो रहा है, सीए जी ने जो रिपोर्ट दी है उस पर चर्चा नहीं हो, मणिपुर में जो बहनों की इज्जत लूटी गई है उस पर चर्चा नहीं हो, इसलिए इस तरह की बातें की जाती है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है, हम लोग को फंसाइए मत। धन्यवाद। समिट से भारत को क्या फायदा होने वाला है और किस तरह का भारत का वैश्विक स्तर पे मान बढ़ा है? प्रधानमंत्री जी ही इसको पूरा बता पाएंगे। अभी नजर में अभी हम लोग इतना ही जानते हैं कि जो हुआ है उस मंडपम में जितना 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए वो भी पूरी तरह से बह गया है, समझिए। तो पहले उसका मूल्यांकन कर लेने दीजिए। और बातें बहुत हुई है, और जो वाइडेन साहब ने कहा है कि आप लोगों की स्वतंत्रता के संदर्भ में, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ईडी लगातार आपके मुख्यमंत्री जी को घेर रही है, तीसरी बार संबंधी, उसके बाद भी आगे के संबंध। अब ईडी को 14 तारीख को बहुत जल्दीबाजी थी कि 15 अगस्त को जब मुख्यमंत्री को झंडा फहराना तो उस समय दे दिया। उसके बाद उनको लगा नहीं नहीं टाइम बहुत है, तो 24 तारीख का डेट दिया। अरे जब 14 को अगर ज़रूरत है तो आप 17 को बुलाइए ना, आप 18 को बुलाइए। आपने फिर 24 का दे दिया, फिर 24 के बाद आप सीधे देते हैं 9 सितंबर का। 9 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने डिनर पे बुला लिया। तो जिस मास्टर्स के कहने पे वो लोग काम कर रहे हैं उसी आधार पर हम लोग भी कानून का सहारा ले रहे हैं। जब कहीं न्याय नहीं मिलता है तो जनता के न्यायालय में न्याय मिलता है।